प्यारे बच्चों इस वीडियो में टेंथ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सेवन कोऑर्डिनेट जो की एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू कर रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ट्राई सेक्शन कह रहा है मीन्स तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास फोर माइनस वन और दूसरा है माइनस टू माइनस थ्री लेट दिस पॉइंट ए ये हमने क्या ले लिया बी ट्राइसेक्ट करेंगे तो तीन इक्वल पार्ट में लेट सी एंड डी हमने पॉइंट ले ली सी एंड डी सी के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया एक्स वन वाई वन और डी के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए एक्स टू वाई टू सोल्यूशन क्या किया हमने लेट सी एक्स वन वाई वन एंड डी एक्स टू वाई टू ट्राइसेक्ट द्वाइन ऑफ ट्राइसेक्ट द ज्वाइन ऑफ ए फोर माइनस वन एंड बी माइनस टू माइनस थ्री अगर वो ट्राइसेक्ट कर रहा है तो ये तीनों इक्वल पार्ट हो गए अगर हम सी की बात करें तो ये इसको किस रेशियो में इधर वन है इधर टू पार्ट्स हो गए तो वन रेशियो टू पार्ट हो गया सी इंटरसेक्ट ए बी इन वन इज टू टू देखिए सेक्शन फॉर्मूला में यहां पे लिख देता हूं हमारे पास क्या होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन प्लस एम वन एम टू ठीक है और एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू ये सेक्शन फार्मूला तो बाई सेक्शन फॉर्मूला किसके कोऑर्डिनेट c के कोऑर्डिनेट मीन्स x1 y1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी वन इंटू माइनस टू वन इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू फोर डिवाइडेड बाई वन प्लस टू एम वन प्लस एम टू वाई वाई वन निकालेंगे तो वन इंटू माइनस थ्री वन इंटू माइनस थ्री प्लस का टू इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू क्या हो जाएगा माइनस का टू प्लस का एट डिवाइडेड बाई थ्री और यहाँ से माइनस थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री ये हो गया हमारा सिक्स बाई थ्री ये हो गया माइनस फाइव बाई थ्री कैंसिल करोगे तो टू माइनस फाइव बाई थ्री हो गया किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स अब जो डी है डी किस रेशो में डिवाइड करेगा अगर हम इधर देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरफ टू होंगे और इधर कितना होगा वन हो. या फिर दूसरा तरीका क्या अगर मैं इसके सी के कोऑर्डिनेट्स सी और बी में डी जो है वो मिड पॉइंट है वन इज़ टू वन सिंपल इन दोनों को ऐड करें डिवाइडेड बाय टू इन दोनों को ऐड करें डिवाइडेड बाय टू आप ऐसे भी कर सकते हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूले से कर रहे हैं डी इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट ए बी इन टू इज टू वन रेशो सो बाई सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पे 2 इं 2 टू इंटू माइनस टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन प्लस वन इंटू फोर डिवाइडेड बाई हमारा क्या होगा टू प्लस का वन दिस इज एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू दूसरा क्या होगा एम वन वाई टू टू इंटू माइनस थ्री प्लस वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस का वन सॉल्व कीजिए माइनस फोर प्लस का फोर डिवाइडेड बाई थ्री हो गया माइनस का सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री हो गया माइनस फोर प्लस फोर ज़ीरो हो गया जीरो अपॉन थ्री दैट मीन्स जीरो और यहाँ पे हो गया माइनस सेवन बाई थ्री तो हमने सी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए और डी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए जो इस लाइन ए बी को क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेटमेंट देखने में बहुत बड़ी लग रही है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टेटमेंट अच्छे से समझते हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज हम अपने स्कूल में एक्टिविटी करते ही हैं इन यूअर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी मान लीजिए आपका जो स्कूल का ग्राउंड है ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर शेप में है लाइन्स हैव बिन ड्रॉन विद चौक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ईच वन मीटर ईच पे ये लाइन हमने ड्रा कर दी हंड्रेड फ्लावर पोर्ट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग ए डी यहाँ पर हमने हंड्रेड फ्लावर पोर्ट्स रख दिए वन टू थ्री फोर ऐसे करके ठीक है एच ऑन इन फिगर निहारिका का वन फोर्थ इन द डिस्टेंस ए डी इस ए डी डिस्टेंस पे वन फोर्थ अब इन्होंने यहाँ पे टोटल जो हैं वो कितने बना दिए हंड्रेड बना दिए हमारे पास क्योंकि हंड्रेड मीटर तक है यहाँ पे हमारे पास सो so, इसका वन फोर्थ क्या होगा ट्वेंटी फाइव मान लीजिए हम अच्छा कौन सी लाइन में कह रहा है? इन सेकेंड लाइन ये फर्स्ट लाइन ये सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन में वो यहाँ पे आ गई निहारिका एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग मान लीजिए यहाँ पे उसने कौन सा कर दिया ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया प्रीत रंस वन फिफ्थ इन द डिस्टेंस ए डी ऑन द एट्थ लाइन एट्थ लाइन पे वन फिफ्थ वन फोर्थ हो गया ट्वेंटी फाइव एंड वन फिफ्थ हो गया ट्वेंटी सो यहां पे मान लीजिए ये हो गया और उन्होंने पोस्ट कर दिया रेड फ्लैग ये हो गया रेड फ्लैग यहां पे ग्रीन फ्लैग है यहां पे रेड फ्लैग है वट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स हमें ये डिस्टेंस इनके बीच की निकालनी है हम यहाँ पे इसको ए बी को अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं ए डी को हम वाई एक्सिस ले लेते हैं सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सा है टेकिंग ए बी एज एक्स एक्सिस एंड ए डी एज वाई एक्सिस वाई एक्सिस पोजीशन ऑफ या कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखिए एक्स एक्सिस के लोग कौन से पॉइंट में है टू में सेकेंड लाइन में सो so, टू हो गया और वाई के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना है ये हंड्रेड का वन फोर्थ था वन फोर्थ ऑफ हंड्रेड दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव सो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास टू ट्वेंटी फाइव इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग उसके क्या होंगे वो कौन सी लाइन में है एट्थ लाइन में सो so एट कर दिया और वन फिफ्थ कह रहे हैं किसका ए डी हमारे पास हंड्रेड है सो so इसको कैंसिल किया ट्वेंटी दैट मीन्स एट एंड ट्वेंटी दो पॉइंट आ गए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आसानी से हम इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं सो डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन फ्लैग्स क्या होगी x2- टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर एट माइनस टू का स्क्वेयर प्लस y2- टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर एट माइनस टू सिक्स का स्क्वेयर माइनस फाइव का स्क्वेयर ये हो गया हमारा थर्टी सिक्स ये हो गया ट्वेंटी फाइव दैट इज रूट ऑफ सिक्सटी वन और ये मीटर में दिया हुआ है तो डिस्टेंस उनके बीच में कितनी होगी रूट सिक्सटी वन मीटर बड़ा ही सिंपल सा है चलिए अब और क्या कहता है इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स वेहर शी पोस्ट हर फ्लैग कहाँ पे करे कौन सी लाइन में और कितनी पॉइंट के ऊपर वो पोस्ट करे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ब्लू कहीं ना कहीं पे होगा हमने इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए ये 225 है और ये हमारे पास 820 है इसका मिड पॉइंट ही तो निकालना है सो मिड पॉइंट ऑफ जी आर जी आर क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू तो टू प्लस एट अपॉन टू हो गया एंड ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी अपॉन टू हो गया ये कितना हो गया टेन अपॉन टू ये हो गया फोर्टी फाइव अपॉइन्ट टू टेन अपॉन टू फाइव ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव इसका मतलब कौन सी लाइन में एक्स एक्सिस लाइन को बता रहा है फिफ्थ लाइन में और कितने डिस्टेंस पे ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर पे रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग ब्लू फ्लैग इन फिफ्थ लाइन एट ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर डिस्टेंस के ऊपर वो ये फिफ्थ लाइन में होगी और डिस्टेंस कितनी होगी 22.5 मीटर बहुत ही आसान सा जैसी स्टेटमेंट थी अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाता है चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत